ਉੱਚਾ ਉੜ ਕੇ ਇਤਨਾ ਇਤਰਾਓ ਮਤ ਪਰਿੰਦੋ, ਮੈਂ ਔਕਾਤ ਪੇ ਆ ਗਿਆ ਤੋ ਆਸਮਾਂ ਖਰੀਦਾਂਗਾ। ग्राइंड कर लीजिए और कोकोनट को भी आपने पहले ही ग्राइंड करके रख लेना है। फ्राई पैन में हम देसी घी ऐड करेंगे थोड़ा सा, एक चम्मच तक। आपके पास वेजिटेबल ऑयल है तो वो भी यूज कर सकते हैं। और अब हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे, इसको अच्छी तरह से आप मिल्ड कर लीजिए देसी घी में। तो गाइस जब गुड़ अच्छी तरह से इस तरह मिक्स हो जाए, मिल्ड हो जाए, तो आपने बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करनी है। इसमें पीनट का मिक्सर ऐड करेंगे, मतलब मूंगफली का जो मिक्सर बनाया हुआ था हमने। गाइस बादाम और पीनट को मैंने इसमें मिक्स कर लिया था, अब इसमें कोकोनट डालेंगे हम मिक्स किया हुआ, थोड़े से तिल। तो गाइस जब ये पूरा मिक्सचर रेडी हो जाए तो आप इस तरह से इसके लड्डू बना लीजिए छोटे छोटे। टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस ये थी हमारी रेसिपी फॉर बल्किंग के लिए। रेसिपी आपने देख ली है, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने लड्डू बना के रखे हुए हैं यहाँ पे। तो गाइस ये है रेसिपी हमारे बल्किंग के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी है, चाहे मेल है या फीमेल है, आप दोनों ही ले सकते हैं। तो गाइस इसके यूज से आप अपना वेट गेन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्किनी है तो आप जूस को ट्राई कीजिए। इसके अंदर मैंने यूज़ किया था 200 ग्राम तक पीनट्स, मतलब मूंगफली, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा गुड़ यूज़ किया है 100 ग्राम तक, बादाम 100 ग्राम तक यूज़ किया है, थोड़े से तिल और कोकोनट यूज़ किया है गाइस। तो इन सब चीज़ों को आप सभी को मिक्स करके ये सब बना सकते हैं गाइस। ये काफ़ी अच्छा है आपकी बल्किंग के लिए, आपके वेट गेन के लिए। सब नेचुरल चीज़ें ऐड की है, कुछ भी आर्टिफिशियल ऐड नहीं है। तो गाइस इसको जू ट्राई कीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपकी बल्किंग और वेट गेन में के लिए। गाइस ये थी एक और मील फॉर वेट गेन करने के लिए। तो गाइस अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।